आज हमारी पृथ्वी पर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीव मौजूद हैं। हमारी धरती पर ऐसे हैरतअंगेज जानवर हैं जिनकी लंबाई लगभग 30 मीटर और वजन लगभग 200 टन है। उसे ब्लू व्हेल कहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे हैरतअंगेज प्राणियों की अद्भुत विशेषताएं। पृथ्वी पर ऐसे भी जीव जंतु हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनका असर ऐसा है कि वो दुनिया तबाह कर सकते हैं। इसका जीता जागता नमूना है आज फैला हुआ कोरोना वायरस। लेकिन आज हम समुद्र के ऐसे जंतु के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी अद्भुत विशेषताएं सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपने सुना होगा कि एक छिपकली जब उसकी पूंछ किसी कारणवश कट जाती है तो वो अपनी पूंछ को दोबारा रीग्रो कर सकती है, यानी कि दोबारा उसे उगा सकती है। और भी ऐसे तरह तरह के जानवर हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन आज हम जिस जंतु के बारे में बात करने वाले हैं उसकी विशेषताएं दुनिया में सबसे अद्भुत है। ये जंतु एक समुद्री जीव है जिसका नाम एक्सोल्टल है और इसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी कहा जाता है। ये समुद्र के अंदर यानी कि पानी के अंदर और पानी के बाहर धरती पे भी रह सकती है। इस फिश की उम्र लगभग 10 से 15 साल होती है और लगभग ये 12 इंच बड़ी होती है। इस मच्छी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लगभग अपने सारे अंग दोबारा रीग्रो कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लगभग अपने सारे अंग जैसे दिमाग, पूंछ, पैर दोबारा उगा सकती है अगर वो किसी कारणवश खराब हो जाए या कट जाए। ज़रा सोचिए, इस मछली जैसी खूबियाँ अगर इंसान में आ जाए और किसी कारणवश किसी इंसान का हाथ या पैर कटा हो और वो उसे दोबारा उगा पाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो अपनी स्टेम सेल की मदद से ये अपने काफ़ी सारे अंग दोबारा उगा सकती है। अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग इसे ऐसा पेट फिश भी अपने घर पर रखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके पैर भी है और पैर द्वारा ये धरती पर चल भी सकती है और पानी के अंदर तो ये बिल्कुल रह सकती है। लेकिन कुछ सालों से इस फिश की आबादी वो घटती जा रही है और इसे इनडेंजर्ड स्पीशीज़ के श्रेणी में रखा गया है। इस जंतु पर साइंटिस्ट द्वारा बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं कि ये जो इसकी काबिलियत है कि अपने जो भी अंग है ये दोबारा उगा सकती है, तो क्या ऐसी कोई विशेषता इंसानों में आ सकती है या नहीं। मैक्सिको स्टेट के स्कोचिमिल्को लेक पर इसकी ज़्यादातर आबादी पाई जाती है, इसलिए इसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश कहा जाता है। इस अद्भुत प्राणी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है और आज ये विलुप्त के कगार में आ गया है। भविष्य में हम ये आशा कर सकते हैं कि जिस तरह ये प्राणी अपने अंग दोबारा उगा सकता है, हमारे साइंटिस्ट और विशेषज्ञ इस जानवर की विशेषताएँ लेकर क्या इंसान में ये खूबियाँ ला पाएंगे या नहीं। हमारे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिग स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।